देश भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी में बालाघाट जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में मदद के लिए लगातार लोगों के हाथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत बालाघाट जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को मदद के तौर पर रविवार को समाजसेवी राजेश पाठक ने 2,51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। वहीं अशोक बजाज ने 51,000 रुपये और इंदर बजाज ने 51,000 रुपये का दान दिया है और इन्होंने सहायता राशि के चेक बालाघाट जिला कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपा है, जिससे निराश्रित और ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सकेगी। वर्तमान समय में जो विश्व महामारी के रूप में कोरोना चल रहा है, वो हमारे भारत देश से होते हुए पूरे मध्य प्रदेश और बालाघाट सभी जगह उसका प्रभाव देखने में आ रहा है। हम खुशकिस्मत हैं अभी आज की तारीख तक कि बालाघाट में कोई भी हमारे ज़िले में पॉजिटिव मरीज अभी तक नहीं पाया गया। ये पूरे ज़िले की खुशकिस्मती है और इससे बचे रहने के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा जो समय समय पर नियम और निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वो सभी लोगों को बहुत मजबूती से, सावधानी से उनका पालन करना चाहिए। पूरे ज़िले वासियों से मैं अपील करता हूँ। साथ ही आज रात्रि में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 9 बजे रात्रि में अपने अपने घरों की रोशनी बंद करके, अपने घरों के केवल लाइट और बल्ब बंद करना है, उसको बंद करके 9 मिनट तक चाहे आप अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएं अथवा मोबाइल का टॉर्च जलाएं या टॉर्च की रोशनी करें या जैसी आपकी सुविधा हो वैसा करें, लेकिन 9 मिनट तक एक तरह से पूरा देश एक साथ है। कोरोना की इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, वह हम बालाघाट जिले वासियों को भी वो प्रदर्शित करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सारा देश, प्रदेश और हमारा ज़िला आज 9 बजे रात्रि की तैयारी में लगा हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ कलेक्टर साहब के पास जो कोरोना रिलीफ फंड, ताकि कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो डेली दहाड़ी लोग हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको समस्याएं हैं रोजमर्रा की कमाने और खाने की, उस फंड में कलेक्टर साहब जिसके अध्यक्ष भी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी में, उसमें 2,51,000 रुपये आज मैं खुद उनको प्रदान कर रहा हूं। साथ ही हमारे साथ अशोक बजाज जी हैं, अशोक बजाज जी बताएंगे, ये भी उसमें फंड प्रदान कर रहे हैं। इंदु बजाज जी हैं, अशोक बजाज जी बताएंगे आपकी बात। जी बताइए। ये विश्व महामारी कोरोना में जो भारत में भी फैला हुआ है, इसमें जो शासन द्वारा सभी महामारी से लड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा, एक समुद्र में एक बूंद के बराबर सेवा करने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, जिससे जो ज़रूरतमंद लोग हों उनकी सेवा हो सके। ठीक, मैं अपने परिवार की तरफ से 1,02,000 रुपये 51,000 के दो चेक अपने परिवार की तरफ से, बजाज परिवार की तरफ से कलेक्टर साहब के कोष में देने आया। कुल कितनी राशि दे रहे हैं आप? 1,02,000 रुपये।